ने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि पटना से इसकी शुरुआत हो, आज पटना से शुरुआत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया लोगों के लिए और स्कूल के लिए क्या कहिएगा? जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होंगे और जलाने वाले भी घर के लोग ही होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, बताएंगे? एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही सारे लोग, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा की गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बीच से कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी, संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो पिता के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष ढूंढो, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष टू को एक संघर्ष वन भी थी, जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष वन भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था कि पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाला जाता है, निकाल देता है बाहर। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते हैं। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए विधा असहनीय बनेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं जैसे चले यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है, तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर हो गए
कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीजें बनती हैं, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है? जब अच्छा चीज करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप ही हैं, अगर अच्छा न्यूज बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी बेहतर न्यूज का अगर व्यूवर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे, अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी लीडर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर कर जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक शुरू सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भी है, इसको एक पैसे नहीं लगाए हैं, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है, उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिए हैं। अभी तक सर ने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि पटना से इसकी शुरुआत हो, आज पटना से शुरुआत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया लोगों के लिए और स्कूल के लिए क्या कहिएगा? जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ भूल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परवेश होता है, जो गांव की कश्ती होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, बताएंगे? एक बार ईमानदारी से बताएंगे, ये वही कहानी है। इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से, बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा और ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा की गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बीच से कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी, संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष छूटो, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष टू को एक संघर्ष वन भी थी, जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष वन भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था।
ये पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाला जाता है, निकाल देता है बाहर। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसके वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है। जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए, मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते हैं। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरी गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए विधा आसानी बनेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दिया, मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं चले यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए दृढ़ बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती हैं, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है, जब अच्छा चीज़ करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप ही हैं अगर अच्छा न्यूज़ बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज़ बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज़ का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे, अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर कर्ज जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक शुरू सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भैया, इसको एक पैसे नहीं लगाए हैं, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं है, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है, उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिए अभी तक।